Hello everyone, I Dr. Nisha Singh welcome you all in lecture series of Engineering Chemistry. आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन. इस टॉपिक से पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलीमर्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने मोनोमर, पॉलीमर, रिपीट यूनिट, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को समझा था. तो आज उससे आगे के पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीमराइजेशन और व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलीमराइजेशन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जब वो मोनोमर यूनिट्स दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन होती हैं, तो पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है. तो उस पूरे के पूरे फिनोमिना को, यानी मोनोमर यूनिट से पॉलीमर की फॉर्मेशन के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन. तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास मोनोमर्स प्रेजेंट हैं, तो ये मोनोमर्स जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. अब इस पॉलीमराइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन वी नो. देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन का वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में जितनी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हमारे पास हैं, उसका एग्जैक्ट मल्टीपल हमें मिलेगा पॉलीमर के अंदर. यानी जितनी एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हमने ली, तो सेम नंबर हमें कहाँ मिल जाएगा, पॉलीमर्स में अटैच्ड चेन के अंदर. तो दैट मीन्स इस प्रोसेस में कहीं पर कोई भी बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है. तो व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? इन विच देयर इज नो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और अगर बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, तब वो एडिशन की जगह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी. पीवीसी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी मोनोमर यूनिट हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl. तो अगर ये प्रोसेस हम एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स के साथ कर रहे हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, इससे हमें क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा, पॉलीमर CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl. ये जो मिलने वाला पॉलीमर है, इस पॉलीमर में नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कितनी प्रेजेंट होंगी, जो नंबर हमने यहां पर यूज किया था, और इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी. यानी केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट हमें मिला, विच इज पीवीसी, और हमारे पास मोनोमर यूनिट थी विनाइल क्लोराइड. तो क्योंकि यहां पर किसी भी बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए ये किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, विच इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अगर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में पॉलीमर के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट. तो दैट काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. यानी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट. दैट मीन्स रिजल्टेंट हमें पॉलीमर के साथ साथ और क्या मिलेगा, कोई और एक दूसरा कंपाउंड या दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा. अब जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए जो मोनोमर्स होते हैं, उन मोनोमर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन फंक्शनल ग्रुप्स में एल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कुछ एमाइड्स एमीन्स हो सकते हैं, कुछ और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट. तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमिथाइलॉल फिनॉल, यानी रिएक्शन बिटवीन मिथाइलॉल फिनॉल. तो एक स्ट्रक्चर, कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहां पर ले लेंगे मिथाइलॉल फिनॉल का. मान लिया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिया CH2OH पॉलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. इधर भी हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया. अगर एक मिथाइलॉल फिनॉल
अपने जैसे ही दूसरे मिथाइलॉल फिनॉल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इधर एच हुआ। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इस मिथाइलॉल फिनॉल का ये OH यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इधर का H बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये दोनों एज अ वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी जब रिजल्टेंट हमें मिलेगा तो उस रिजल्टेंट में ये OH और ये H मिलकर वॉटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। सेम ऐसे ही अगर हम N नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स ले रहे हैं तो इस साइड से OH और उसका रेस्पेक्टिव H ये एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर हुआ उस स्ट्रक्चर में OH, देन CH2, सिंगल बॉन्ड रिंग स्ट्रक्चर, OH, CH2। अगर हम पॉलीमर की फॉर्मेशन दिखा रहे हैं तो हमने यहां पर दिखाए साथ में कॉन्टिन्यूशन में बॉन्ड। तो ये तो बना हमारे पास पॉलीमर, जिस पॉलीमर को हम कहते हैं नोवोलेक। यही पॉलीमर आगे चलकर, यानी आफ्टर वेरियस स्टेप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, बैकेलाइट की फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या एलिमिनेट हुआ? एलिमिनेट हुआ वाटर मॉलिक्यूल, यानी माइनस H2O। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल दो यूनिट्स के कंबाइन होने की वजह से एलिमिनेट हुआ। दैट मींस ये वाटर कैसे बिहेव कर रहा है यहां पर? एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसके नीचे मेंशन कर देती हूं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। व्हाट वाज अवर मोनोमर? इट इज ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल। तो ऐसे सभी मोनोमर्स जो कि आपस में कंबाइन होने के बाद किसी बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपके क्लियर हुए, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, हम किसी भी तरीके का पॉलीमराइजेशन पढ़े, चाहे वो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो, चाहे वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो, इस मैकेनिज्म के प्रोसेस को हम तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकेंड इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो तीन अलग अलग कैटेगरी के पॉलीमराइजेशन है जो कि एडिशन और कंडेंसेशन दोनों कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम फर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, विच इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए सिंगल बॉन्ड बी बना हुआ है और इसका अगर हम होमोलिटिक फिशन करते हैं तो उस प्रोसेस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चला जाएगा। यानी ए भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बी भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बनने वाले फ्री रेडिकल हैं, इन फ्री रेडिकल्स को हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। इस फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को हम टोटल तीन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला स्टेप हमारे पास होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। इस चेन इनिशिएशन स्टेप में पॉलीमराइजेशन चेन का बनना शुरू होता है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप को समझाने के लिए जो एग्जांपल हम ले रहे हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का, वो एग्जांपल हम ले रहे हैं इथाइलीन मॉलिक्यूल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो चेन इनिशिएशन का स्टेप होगा, इस चेन इनिशिएशन स्टेप की जो शुरुआत होगी, वो शुरुआत होगी किसी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से। यानी कि इनिशियली हमारे पास क्या होगा, एक चेन इनिशिएटर होगा जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया आई सिंगल बॉन्ड आई से। इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ और ये कन्वर्ट हुआ, टू आई लिख लें या सिंपल आई फ्री रेडिकल लिख लें, इसको केवल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेशन में मैंने लिया है। हम यहां पर कोई भी चेन इनिशिएटिंग स्पीशीज एज एन इनिशिएटर ले सकते हैं। इट इज इनिशिएटर एंड गोज थ्रू
होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। बनने वाली जो स्पीशीज है दीज आर फ्री रेडिकल्स। अब जो फ्री रेडिकल है आई, ये फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा हमारी एक मोनोमर स्पीशीज के साथ। दिस इज इथाइलीन विच इज अ मोनोमर। ये जो इथाइलीन है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के रेस्पेक्ट में फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगा। यानी अब ये एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन CH2 के एक फ्री रेडिकल पोर्शन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और हम स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं I CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। तो अब हमारा जो मोनोमर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट इज मोनोमर फ्री रेडिकल। अब ये मोनोमर फ्री रेडिकल स्पीशीज चेन इनिशिएशन के लिए कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसको हम आगे यूज करेंगे अपने सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन के लिए। सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन। इस चेन प्रोपेगेशन के स्टेप में जो चेन है उसके इलोंगेशन का प्रोसेस होता है। यानी हम स्टार्ट करेंगे मोनोमर फ्री रेडिकल स्पीशीज के साथ विच इज I CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये चेन इनिशिएटिंग स्पीशीज रिएक्ट करेगी दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ जिसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यानी हमारे पास बनने वाला स्ट्रक्चर हुआ I CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विद फ्री रेडिकल। तो ये तो केवल एक मोनोमर यूनिट इसके साथ अटैच हुई। अगर ऐसे ही ये प्रोसेस लगातार चलता रहे तो हम इस प्रोसेस को कंसिडर कर सकते हैं आई जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस पूरे के पूरे पोर्शन को, यानी अगर n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया इसको n-1 की फॉर्म में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल स्पीशीज है। इसके साथ में दूसरी मोनोमर यूनिट कंबाइंड हुई, इस मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बना I CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पूरी एक यूनिट को मैं इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर देती हूँ। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स इन दोनों के बीच जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जो n-1 नंबर हमारे पास था इसको हम +1 करके कंप्लीट n की फॉर्मेशन यहां पर लिख सकते हैं। तो इट इज n देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास हुई फ्री रेडिकल स्पीशीज। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो किसका प्रोसेस है, चेन प्रोपेगेशन का। यानी इट इज द इलोंगेटेड चेन ऑफ पॉलीमर। अभी तक हमारा पॉलीमर जो है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई है लेकिन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये चेन अभी तक इलोंगेट होती चली जा रही है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म विच इज चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक हमारी जो इलोंगेटेड चेन है ये इलोंगेटेड चेन हमारी कंप्लीट नहीं होगी, यानी स्टॉप नहीं होगी। ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक और रिमेनिंग फ्री रेडिकल की। यानी अब ये बचा हुआ फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल चेन के साथ में रिएक्शन करेगा और इस चेन की ग्रोथ को स्टॉप करेगा। तो हमने यहां पर ली इलोंगेटेड चेन विच इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विद एन नंबर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। देन इट विल रिएक्ट विद आई फ्री रेडिकल और एनी फ्री रेडिकल विच वी आर यूजिंग टू स्टॉप द चेन रिएक्शन। सो नाउ CH2 विद एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। अब यहां पर जब इन दोनों का आपस में बॉन्ड बनेगा तो कोई और इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं है जो कि आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, तो ये इस लास्ट मोनोमर यूनिट के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन हुई, पॉलीमर की फॉर्मेशन हुई। ये जो बनने वाला पॉलीमर है, क्योंकि हमने मोनोमर यूनिट इथाइलीन ली थी इसलिए बनने वाला पॉलीमर कौन सा होगा, इट इज पॉली इथाइलीन। तो ये हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगले पार्ट में जो रिमेनिंग दो कैटेगरी हैं एनायनिक और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।